उत्तराखंड में रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम उद्यान घोटाले में आने के बाद राज्य की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। विधायक प्रमोद नैनवाल ने मीडिया को बताया कि उद्यान विभाग की योजना के अनुसार सेब के पेड़ों में लगभग 50% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी गई थी, जिसके आधार पर उनके भाई सतीश नैनवाल ने 2400 पेड़ लगाए थे और जिन पेड़ों की बात याचिकाकर्ता ने की है वह उनके भाई सतीश नैनवाल द्वारा लिए गए हैं और उनका नाम पूरे प्रकरण में बेवजह लिया जा रहा है। अपने ऊपर लगे आरोप को उन्होंने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह आरोप एक षड्यंत्र का हिस्सा है, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज तक हमको तो पता नहीं। अच्छा। मेरे पहले तो ये है कि उसमें छोटा भाई और जो समिति के लोग हैं उनका है। जिस प्रकार मेरा नाम जबरन घसीटा जा रहा है तो ये उचित नहीं है। किसी की चरित्र हत्या करने का जो प्रयास किया जा रहा है तो इसको सही नहीं माना जा सकता है। और जहाँ तक आज तक न तो हमारा नाम न तो वहाँ हम वादी प्रतिवादी हैं कोई हाईकोर्ट में, ना हाईकोर्ट ने हमको उसमें न कहीं संकेत दिया है। हाईकोर्ट अपने निर्णय में ये कह रही है, माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना है कि जो 2400 पेड़ लगे हैं उन 2400 पेड़ों को सतीश नैनवाल को दिया गया है।